अस्सलामु अलैकुम, मैं जुलेखा अरफान जुलेखास किचन से। तो चलिए बनाते हैं आज बढ़िया सी मटन की रेसिपी, मलाई मटन कोफ्ता ग्रेवी। थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इतने नाम याद रखने में। सो चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी, क्विक इजी, बहुत ही मजेदार और बहुत ही डिलीशियस है। उंगली चाटते रह जाओगे आज वाली रेसिपी से। तो चलिए जल्दी बनाते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, एक दिन पहले यानी पिछले दिन मैंने 250 ग्राम बोनलेस मटन की चना बूटी करवाई, सारी चर्बी निकाल दी इसकी जो भी लगी हुई थी, उसे दो तीन पानी से धो के एक डेढ़ घंटे के लिए छन्नी के ऊपर नितारने रख दिया। जब उसका पानी कम्प्लीटली सूख गया ना, तो मैंने उसे फ्रिज में रख दिया था। अब नेक्स्ट डे मैं इसे मिक्सर जार में डाल रही हूँ, आप चाहे तो आप शॉपर में डाल सकते हैं। अच्छा, अगर आप बोनलेस नहीं लेना चाहते हैं तो आप कीमा ले सकते हैं, लेकिन याद रहे बहुत ज़्यादा चर्बी नहीं होनी चाहिए, उससे फूट सकते हैं और पानी भी नहीं होना चाहिए, ये दोनों के वजह से हमारी जो कोफ्ते हैं वो फूट जाते हैं। चलिए इनमें कुछ चीज़ें डाल देते हैं मसाले वगैरह के साथ। तो यहाँ पर मैंने एक टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, वो डाल दीजिए। धोई हुई, नितारी हुई और सूखी हुई थोड़ी सी कोथमीर यानी कि हरा धनिया, आप थोड़े से पुदीने भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं थे तो मैंने नहीं डाले। मैं दो हरी मिर्चियाँ डाल रही हूँ, आप कम या ज़्यादा अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 6-7 कली छोटी छोटी थी ना, तो लहसुन की छोटी छोटी ली है, आप ज़्यादा बड़ी हो तो आप 2 या 3 लीजिएगा। ये है बिरिस्ता, मैंने 2 टेबलस्पून लिया है। नमक स्वाद अनुसार मैं 1/2 छोटे चाय का चम्मच से कम डाल रही हूँ। 1/4 छोटे चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटे चाय का चम्मच धनिया पाउडर। वैसे यूजुअली मैं धनिया पाउडर नहीं डालती हूँ, मैं भुना और दरदरा पिसा हुआ धनिया जो आता है साबुत उसको डालती हूँ, लेकिन खत्म हो गया है तो आज मैंने ये डाला है। 1/2 छोटे चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटे चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 छोटे चाय का चम्मच जीरा, भुना और पिसा हुआ जीरा पाउडर, 1/2 छोटे चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 1/2 छोटे चाय का चम्मच चाट मसाला पाउडर। चर्बी मैंने सारी निकाल दी थी तो कुछ भी नहीं है, तो मैंने 1 टेबलस्पून असली घी डाला है और 2 ब्रेड को पीसेस करके इस कदर डाल दीजिए और इसे बंद करके बहुत अच्छा बारीक फाइन पेस्ट टाइप कर लीजिए। ये देखिए ऐसा रहेगा ना कि स्टिकी स्टिकी लगे, बस इसका मतलब आपने परफेक्टली इसे पीसा है। अगर आपको लगे कि स्टिकी नहीं है, इसका मतलब अभी भी पीसना है और इसे अच्छे से पीसते जाइए। चलिए इसे मैं सबसे पहले तो एक बड़े से बर्तन में निकाल लेती हूँ, बीच में स्पेस कर दीजिए, एक छोटी सी वाटी या फिर फॉइल की कटोरी बनाकर बीच में रख दीजिए और गर्मा गर्म कोयला उसके अंदर रख कर थोड़ा सा तेल घी या मक्खन डाल दीजिए और क्विकली ढककर इसके ऊपर कुछ वजन रहने दीजिए और 5-6 मिनट इसी तरीके से रहने दीजिए। चलिए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, इसे खोल लीजिए और ये जो कोयला है फेंक दीजिए। वाटी हटाकर सबसे पहले यहाँ पर आप मिक्स कर लीजिए, थोड़ा सा आप चाहें तो तेल वाला हाथ कर सकते हैं और हमारे जो मिक्सचर है इसे मिक्स कर लीजिए। और अब इसके मैं पोर्शंस बना लेती हूँ, तो तकरीबन समझिए ना आप 11-12 पोर्शंस बनाइए, मैं 11 बना रही हूँ। अब आपको बड़े बॉल्स बनाने हैं, बड़े कोफ्ते बनाने हैं तो आप कम बनाइएगा, और बड़े बड़े बनेंगे कम बनाएंगे तो आप, और मैं थोड़े मीडियम साइज़ के बना रही हूँ तो मेरे 11 निकल रहे हैं। हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कीजिए तेल की मदद से और इस तरीके से वो एक पोर्शन लेके इसे बॉल बना लीजिए अच्छे से और इसे साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से सारे बना लीजिए कोफ्ते। तो चलिए मैंने सारे बना लिए हैं, ये आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया से लग रहे हैं ना, गुलाब जामुन की याद आ रही है मुझे। तो चलिए अब हम फ्राइंग करते हैं। एक कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा तेल डाल दीजिए और जब फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए चूल्हा, तेल गर्म हो जाए मीडियम आंच कर ये जो हमने कोफ्ते बनाकर रखे हैं ये डाल दीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर। आप चाहें तो 2 बैचेस में इन्हें फ्राई कर सकते हैं। हमारा फ्राई करने का यहाँ मकसद ये है कि ये हमें इसे पकाना नहीं है पूरी तरीके से, बस उलट पलट करते हुए इसे हल्का सा है ना, हमें लाइट गोल्डन ब्राउन कवरिंग हो जाए ना आउटर कवरिंग चारों ओर से, तो बस उतना होए उतना निकाल लीजिए आप ड्रेन कर। मैं सारे एक साथ डाल रही हूँ, आप बैच में डालिएगा क्योंकि मैंने बहुत बार बना चुकी हूं और मेरे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी फूटे नहीं है। और फूटे क्यों नहीं है, इसके 2 रीजंस होते हैं फूटने के, या फिर आपने जो मटन लिया है या कीमा लिया है उसकी चर्बी उसमें बहुत ज्यादा है, और दूसरा पॉइंट ये है कि वो पूरी तरीके से अच्छा सूखा नहीं और उसमें पानी बहुत ज्यादा है। तो अगर वो 2 चीज का आप ख्याल रखेंगे तो इसी तरीके से एकदम गुलाब जामुन टाइप लगेंगे आपको और फूटेंगे नहीं। तो चलिए कवरिंग अच्छी हो चुकी है और हल्की हल्की लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, सुनहरी गोल्डन आ चुके हैं कलर उसके ऊपर, तो मैं निकाल लेती हूँ। इसे नितार कर साइड पर रख दीजिए और आगे का प्रोसीजर करते हैं। वही सेम कढ़ाई के अंदर का थोड़ा तेल निकाल लीजिए और थोड़ा रहने दीजिए। इसमें 2 मैंने हरी इलायची डाली है और 1 छोटी डांडी दालचीनी की डाल दी है, 1.5
प्याज को मैंने मीडियम साइज की थी, उसे मोटा मोटा काट कर डाल दिया। चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और इसे फ्राई कीजिए। आपने तब तक फ्राई करना है जब तक कच्ची पक्की टाइप्स ना हो जाए, हमें लाल वगैरह कुछ नहीं करना है। जब आपको थोड़ी सी ये नम हो जाए ना, तो यहाँ पर मैं बीच में ही हरी मिर्चियाँ डाल देती हूँ दो। अब यहाँ स्पाइस आप आपके हिसाब से 3-4 भी डाल सकते हैं हरी मिर्चियाँ। अब जब कच्ची पक्की हो जाए तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 10-12 काजू। बहुत ज़्यादा बड़े हो तो 6-7 डालिएगा। 10-12-13 काजू मैंने डाल दिए हैं। इसे आधे मिनट के लिए और फ्राई करती हूँ और इसे सारों को नितार कर साइड पर रख दीजिए। जब हल्का ठंडा हो जाए तो इसे थोड़ा सा पानी डालकर पीस लीजिएगा और उसे साइड पर रख दीजिए। फिर से वही कढ़ाई लीजिए, चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और मैंने तेल थोड़ा वो जो बाहर रख दिया तब फिर से डाल दिया। 2 काली मिर्च डाली, 1 तेज पत्ता डाल दिया और इसे हल्का तड़तड़ा जाने दीजिए। जब तड़तड़ा जाए तो 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए और इसे मीडियम आंच करके भून लीजिए। आपने तब तक भूना जब तक इसके कच्चेपन की खुशबू ना चली जाए। जब कच्चापन चला जाए इसका, तो ये जो हमने पीस के रखा है ये प्याज और सब, तो इसे डाल दीजिए और इसे भी भून लीजिए। तकरीबन 2-3 मिनट तक भूनिए या तब तक भूनिए जब तक तेल नहीं छूट जाता। चूल्हा मीडियम पर ही है। हाँ, मैंने 1/4 कप जितना मिक्सर जार के अंदर पानी डाला है उसमें से चलाकर इसमें जब तेल छूटने लगे तो बस यहाँ पर डाल दीजिए, एक हल्का उबाल आ जाने दीजिए। जब हल्का उबाल आ जाता है तो चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच और ढक कर इसे भूनने रहने दीजिए। तब तक भूनिए जब तक तेल नहीं छूट जाता। 3-4 मिनट लगेगी। चलिए 4-5 मिनट हो चुकी है, तेल ऊपर आ चुका है आप देख सकते हैं। तो यहाँ मैं चूल्हा स्लो पर ही रहने देती हूँ और एक बार चला लीजिए। अब हम थोड़े से मसाले डाल देते हैं इसके अंदर। अब डाल दीजिए 1/4 छोटे का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, आधा छोटे का चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटे का चम्मच भुना और पीसा हुआ जीरा पाउडर और 1/4 छोटे का चम्मच गरम मसाला पाउडर। ये सारी चीज़ों को डालकर बहुत अच्छे से सबसे पहले तो मिक्स कर लीजिए। नमक भी डाल दीजिए, क्योंकि मैं तो भूल ही गई मैंने नमक नहीं डाला है। और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और यहाँ पर चूल्हा मीडियम आंच कर यहाँ 1/4 कप है ना मैं दही ले रही हूँ। खट्टी नहीं है, ना ही मिट्टी है, रूम टेम्परेचर पे और बहुत अच्छी फेटी हुई है। चम्मच से मैंने फेट ली थी। इसे डाल दीजिए और कंटिन्यूस इसे मीडियम आंच पर चलाते हुए मिक्स करते हुए पका लें। तब तक पकाएं जब तक थोड़ा सा तेल नहीं छूट जाता। 2-3 मिनट हो चुके हैं भून के और कंटिन्यूस मैं भून रही थी और आप देख सकते हैं बहुत अच्छा तेल आ चुका है। मीडियम आंच पर भून रही थी तो यहाँ पर मैं ग्रेवी है ना दूध से बना रही हूँ, पानी से बिल्कुल भी नहीं बना रही हूँ। तो तकरीबन मैंने 1.5 कप लिया है दूध। नॉर्मल जो दूध पका हुआ होता है अपना बाद में ठंडा किया हो, ये वही है। और आप चाहें तो दूध का जो मिज़ान है आप कम या ज़्यादा ग्रेवी के लिए अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप 1 कप लें, 1.25 कप लें, मैंने 1.5 कप लिए। इसमें एक उबाल आ जाने दीजिए और इसके अंदर थोड़ी सी मैं कसूरी मेथी को हाथों की मदद से क्रश करके डाल रही हूँ, 1/4 छोटा चाय का चम्मच। अच्छा, इसमें उबाल आ जाने दीजिए। जब उबाल आ जाए तो हमारी जो हमने कोफ्ते साइड पर रखे हैं थोड़े फ्राई करके वो डाल दीजिएगा। आप चाहें तो पानी से भी इसकी ग्रेवी बना सकते हैं। उस सूरत में अगर आप पानी का इस्तेमाल करना चाहते हो ना, तब आप 1/4 या 1/2 कप दूध डालिए, उसको एक उबाल खिला के स्लो आंच पर 2-3 मिनट पकने दीजिए ढककर। जब थोड़ा सा तेल छूटने लगे उसके बाद उसमें पानी 1 कप या जितना आपने डालना है उतना डालकर उसे फास्ट आंच पर उबाल खिलाने के बाद आपके ये जो कोफ्ते हैं ये डालिएगा। चलिए, मैंने चूल्हा स्लो कर दिया और 2-3 टेबलस्पून जितनी मैंने मलाई डाल दी है इसे भी एक बार चला लीजिए और ढककर स्लो आँच पर तकरीबन 17-18 या 20 मिनट तक पकने दीजिए। या तब तक पकाएं जब तक आपकी ये जो कोफ्ते हैं ये गल नहीं जाते, क्योंकि हमने अंदर से गलाए नहीं है। अब इस सूरत में ये अंदर से भी गल जाएंगे। तकरीबन 17-18 मिनट हो चुके हैं और ये हो चुकी है, गल चुके हैं। ये देखिए बहुत ही आसानी से छुरी चली गई, मतलब एकदम अच्छे से गल चुकी है। चूल्हा में कर देती हूँ बंद और ये बन गए हमारी मलाई मटन कोफ्ता ग्रेवी। मज़ेदार, सर्व करने के लिए रेडी है। पराठा, फुलका, बटर नान किसी के भी साथ सर्व कीजिए। इनमें से कुछ की रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। और अब इसे प्याले में निकाल के सर्व कीजिएगा। अच्छा, मुझे ग्रेवी परफेक्ट लग रही है। अगर आपको ग्रेवी कम लग रही हो, साइड पर 1/4 कप या 1/2 कप जितना पानी गर्म कर लीजिए। अच्छा गर्म हो जाए तो ये ग्रेवी के अंदर डालकर इसे एक उबाल खिला लीजिए फास्ट आंच पर। जब उबाल आ जाए तो स्लो आंच करके 4-5 मिनट दम पर पकने दीजिए ढककर। जब 4-5 मिनट हो जाए तो चूल्हा कर दीजिए बंद और गर्मा गर्म इसे निकालकर सर्व कीजिए। तो है ना मजेदार रेसिपी आज की। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो ये वाला वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा और उससे ज्यादा अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसकी लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। और अगर आप रेसिपी बनाए तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाजिर होंगे एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय।